ये लो बेटा। ले खा ले, चिंता मत करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। वो जो आदमी है ना, वो हमें अगवा करना चाहता है। उसकी ना पूरी गैंग है, वो लड़कियों को अगवा करके उन्हें बेच देता है। हमें बहुत डर लग रहा है, वो कब से हमारे पीछे पड़ा है। नाम क्या है तेरा? संध्या। अरे ओए कंडक्टर, अरे बस रुका, बस रुका, बहुत जोर से आई है। अरे माजी, बस यहाँ नहीं रुकेगी, बस आगे ढाबे पे जाके रुकेगी। नहीं रुकाएगा ना? हाँ नहीं रुकेगी। नहीं रुकाएगा ना? ठीक है, मैं यही। अरे माजी क्या कर रही हो? अरे उस्ताद जी बस रोकिए। चल आजा बेटा, आजा 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 बेटा, आजा आजा। ए तू बैठ, लेडीज के पीछे पीछे आएगा क्या? बैठ जा, आजा आजा। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं संभालती हूं। वो मैं हेलो। हाँ रुक्मणी, कहाँ पहुंचे? मैं बस
मैं फोन करता हूँ तेरे को। अरे सुनो तुम, हेलो संध्या, कहाँ रह गए थे तू? तुम्हारे चक्कर में मैं भाई, अगर कहीं वो पुलिस वालों के पास चली गई तो? अरे कोई बात नहीं, पुलिस वालों के पास जाएगी भी ना तो आना तो अपने पास ही है, तू बस नजरें जमाए रख। आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ, मैं भी जाता हूँ, बहुत दूर जाना है, जबलपुर सवेरे तक पहुंचना है। ख्याल रखना अपना। अरे क्यों है बाबी? उनका फोन नहीं लग रहा है। अरे तो लग जाएगा बाबी, फोन डेड हो गया होगा। अरे करता हूँ क्या कि फोन काट दिया, फिर किया ही नहीं। हर 5 मिनट पे बात करते हैं, पता नहीं कहाँ। अरे कर लेंगे बाबी, अब हर हफ्ते तो जाते रहते पेमेंट लेने खातिर, तू भी ना ज्यादा सोचती है। अरे सुन, अरे कैसे हो गया? अरे पूरा किचड़ किचड़ होगा। देख मुझे ना बहुत बैड फीलिंग्स आ रही है, पक्का वो मुसीबत में होंगे केशव। अरे बब्बी तू बिना खामा का ये बहम पालना छोड़ दे, आ जाएंगे बब्बी, तू चिंता ना कर। अभी नहीं, क्यों जा? हमारे घर जाकर, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमारा घर है, वहां चलते हैं ना। मुसीबत में फंसी किसी भी इंसान की मदद करने से बड़ी इंसानियत कुछ भी नहीं होती, और जब मुसीबत में फंसी एक लड़की हो, किशोर ने भी वही किया, पर मदद तो वही होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाए, और इस मदद में कहीं ना कहीं स्वार्थ तो छिपा दिख रहा। अब ये स्वार्थ संध्या का था या किशोर का, ये स्वार्थ क्या रंग लाया और इसने जुर्म की कौन सी शक्ल इख्तियार की, देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए
चुप, बिल्कुल चुप। गाने लगा दे इसको। भाई साफ सफाई कर दी है और लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। चल निकलते हैं, शिकार कभी भी पिंजरे में फंस सकता है। साहब जी यहाँ? हाँ यहाँ, संभाल कर, यही हमारा घर है। ये है? हाँ आइए। आइए ना साहब। आपके घर में लाइट नहीं है क्या? क्या साहब जी, हम गरीबों की झोपड़ी में लाइट कहाँ? अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठिए 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 बैठिए। वैसे क्या खाना पसंद करेंगे आप? मैं क्या कह रहा था कि अब तुम अपने घर पहुंच गई हो, मेरे को भी बहुत दूर जाना है जबलपुर, मैं चलता हूं। ठीक है, चली जाइएगा, लेकिन आपने जो हमारे लिए किया है उसका धन्यवाद देने के लिए एक मौका नहीं देंगे हमें। अब हमें ये सब रोक देना चाहिए, मेरे को बहुत दूर जाना है। मोबाइल भी बंद है। चले जाइएगा, बस कुछ पल और। मैं शराब नहीं पीता। मैं शराब नहीं पीता। बस
दुगुत। मुझे चलना चाहिए। आज हमारे लिए दुगुत दे लीजिए। उठो, लाइट जल गई है। लगता है शिकार पिंजरे में फंस गया। अंदर 4-5 लाख कैश पड़ा है, कुछ सोने के गहने भी पहने हैं, चेन अंगूठी और पता नहीं क्या क्या। जा उठा ले। सुन, इसको ठिकाने लगा दे। हेलो।